कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती थी कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कही। माँ ने कहा कि ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं, उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है बाबा, और खांड कटोरे के साथ अपनी लड़की का विवाह करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा कि रामू की माँ दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने सुबह सुबह जाते और बहू घर का सारा काम करके और खाना बना कर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म नहीं होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई, तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वह थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा बेटी नहीं है। बहू ने कहा कि ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां बना कर रख देना और बिना नमक की दाल बना देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना भी नहीं दिया तो सास बोली कि बहू आज यह रोटियां जली फूकी क्यों है और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे
तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देनी है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजा खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसा जी का बीड़वा, गंगा यमुना व 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तू कौन है। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि मायापी, इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर नहीं बहती। तब उसने कहा कि माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बीड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है। बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहु बेटा खड़ा हो जाए और उस पर बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भींगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब माने कि यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भींग गई। पवन पानी से बहु बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देख कर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहु बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले पर सब पर कृपा करना।